हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग जो है टाइम एंड वर्क की तीन क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एम एलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड एन एलोन कैन फिनिश इट इन 18 डेज। ओके, बोथ स्टार्टेड द वर्क टूगेदर बट एम लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीटेशन। इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड। यम अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा एन अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एम ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? आपको बताना है कि जो टोटल वर्क है आपका वो कितने दिन में फिनिश होगा, 6 डेज में कि 10^2/3 डेज में कि आपका 9 डेज में कि 12 डेज में। ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि एम जो है अकेला कितने दिन में फिनिश कर सकता है, तो आपने कहा 12 डेज में। जो एन है वो अकेले कितने दिन में फिनिश कर सकता है, आपने कहा 18 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लो तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 36, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, टोटल वर्क कितना हो गया 36। अब इनकी जरा इफिशियंसी दोनों की निकाल लो, इन दोनों की जरा इफिशियंसी निकाल लो कितनी आएगी, ठीक है ना। दोनों की अगर इफिशियंसी निकालते हैं तो इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 2। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना भाई। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया। तो M की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 और N की इफिशियंसी आ गई आपकी 2। हमने भाग दे दिया यहां पर, ठीक है। अब जरा देखो क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले M ने कार्य छोड़ दिया। M लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीटेशन। तो अब आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हमें क्या करना है कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर M 3 दिन और काम करता तो M कितना काम कर लेता, ठीक है ना भाई। हम यहां पर M को नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। हम ये मान के चलते हैं कि M साथ में काम करता अगर 3 दिन और, तो वह कितना काम और कर देता। तो आपने कहा कि अगर M 3 दिन और काम करता, M 3 दिन और काम करता, M की इफिशियंसी 3 है, तो 3 दिन में वह 9 वर्क कर लेता, 3 दिन में वह 9 वर्क और कर लेता, तो टोटल वर्क कितना हो जाता, टोटल वर्क कितना हो जाता, टोटल वर्क कितना हो जाता। तो आपने कहा भाई 36 ये था, 9 वर्क और हो जाता तो ये हो जाता 45। अब अगर दोनों मिलके 45 वर्क को करते, दोनों मिलके करते तो 45 अपॉन हो जाता, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3+2 5, 5 9 45, अर्थात यह पूरा वर्क 9 डेज में क्या हो जाता आपका, फिनिश हो जाएगा। पूरा जो वर्क है वो 9 डेज में क्या हो जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जब भी कभी भी क्वेश्चन आए कि उसने इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो आप क्या करो, आप उसको जाने मत दो, नहीं भाई तुम जाओ नहीं अभी यार, तुम उसे समझौता कर लो, तुम कार में जुटे रहो मेरे साथ, ठीक है ना, फायदा तुमको जरूर मिलेगा, तुम परेशान मत हो। तो उसको जाने मत दीजिए जितने दिन पहले छोड़ रहा है, देखिए उतने दिन में वो कितना काम और कर लेगा। उसको जो है जो आपने एलसीएम निकाला उसमें ऐड कर दीजिए,
ठीक है ना। अब जो वर्क आएगा उसको दोनों को मिला के बता दीजिए कितने दिन में करेगा। जैसे टोटल वर्क कितना हो गया, 45 हो गया। अब ये 45 वर्क दोनों अगर मिल के करते तो 9 दिन में क्या हो जाता है, ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाता। तो 9 डेज आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। एम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, एन इन 15 डेज एंड आर इन 20 डेज। एम एंड आर टुगेदर वर्कड फॉर 2 डेज, आफ्टर दैट एन वॉज पुट ऑन द जॉब इन प्लेस ऑफ एम। इन हाउ मैनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन ऑल। एम किसी काम को 10 दिनों में, एन 15 दिनों में और आर 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यम और आर ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, उसके बाद यम के स्थान पर एम को काम पर लगा दिया गया, ठीक है ना। कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया बताइए भाई, कितने दिनों में कार्य जो है पूरा हो गया, 6 डेज में कि 15 डेज कि 5 डेज कि 9 डेज। ठीक है भाई, पहले एम के साथ आर ने किया, फिर एम जो है बोला मुझे कहीं जाना है भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तो उसने कहा भाई एक मेरा दोस्त है जो एन है उसको आप साथ में ले लें। तो अब M के साथ में कौन आ जाएगा, आपका N आ जाएगा, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो आपको बताना है कि जो कार्य है कितने दिनों में पूरा किया गया बताइए भाई। तो आपने कहा कि सबसे पहले हम M और M, N और R की अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो M जो है किसी कार्य को 10 दिन में, N जो है 15 दिन में और R जो है वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6, एन की कितनी आ जाएगी, 4 और आर की आ जाएगी आपकी 3। क्लियर। अब देखो यम और आर ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ठीक है। अब इसके बाद एम को कहीं जाना पड़ा, अर्जेंट वर्क आ गया, तो काम को रोका नहीं गया कि नहीं भाई काम चालू रखो, काम को किसी भी कंडीशन में रोकना नहीं है। मेरा एक दोस्त एन आ रहा है वो तुम्हारे साथ काम करेगा, आर को कहीं नहीं जाना था, आर वर्क में लगातार लगा ही है। तो सबसे पहले यम और आर ने 2 दिन तक कार्य किया, यम ने आर के साथ 2 दिन तक कार्य किया। तो आपने कहा एम प्लस आर, ठीक है ना, दोनों की जो है इफिशियंसी कितनी है, 6 प्लस 3, ये है 9, ठीक है 9 है। अब 2 दिन तक यम और आर ने कार्य किया, यम और आर ने कब तक काम किया, 2 दिन तक। 2 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने, तो आपने कहा 2 दिन में उन्होंने 18 वर्क कर दिया, 2 दिन में 18 वर्क कर दिया। अभी कितना बचा, कितना है रिमेनिंग वर्क, कितना है रिमेनिंग वर्क, कितना है। तो आपने कहा अभी जो वर्क बचा है 60 माइनस 18, अभी 42 वर्क बचा है, इसको कंप्लीट करना है भाई, इसको कंप्लीट करना है। तो आपने कहा कि ये हो जाए, अब इसको कंप्लीट कौन करेगा, एन तथा आर, ठीक है ना। अब एम की जगह कौन आ गया, एन। तो एन प्लस आर की अगर बात करें तो एन की कैपेसिटी कितनी है, 4 और आर की कितनी है, 3, टोटल है इनकी 7, ठीक है ना। अब वर्क कितना बचा है, इन दोनों को मिलकर करना, वर्क है आपका 42 अपॉन 7, कितना हो जाएगा, 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात अब जो है जो वर्क है वो आपका 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया, कार्य को कुल जो है 6 दिनों में कंप्लीट कर दिया गया। एम 2 दिन बाद चला भी गया, फिर भी जो है कार्य 6 दिन में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब एम आया तो उसको पता चला कि हाँ भाई काम कंप्लीट होगा, बहुत खुश हुआ कि अरे वाह भाई तुम तो बड़े अच्छे हो, तुमने मेरा काम कंप्लीट कर दिया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं कैसे तुम्हारा काम छोड़ सकता हूँ। उसने कहा जब तुम्हारा काम होगा मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। उसने कहा बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एम कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, एन कैन डू इट इन 10 डेज, एम एन एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 5 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल आर एलोन कंप्लीट इट। एम किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एन इसे 10 दिन में कर सकता है, एम एन तथा आर तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं।
आर अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, बताइए भाई, 20 दिन में, 35 दिन में, कि जो है 80 दिन में, कि 60 डेज में, 60 दिनों में। तो आपने कहा कि एम एक है, एन और एक है आर, तीन लोग हैं, ठीक है ना। एम किसी कार्य को 12 दिन में, एन जो है 10 दिन में, और जो आर है, ठीक है ना, तीनों मिल करके एम जो है 12 दिन में, एन जो है 10 दिन में, और तीनों मिलके, अर्थात एम एन आर, एम एन और आर मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, जरा बताइए, 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपने कहा 60, कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर जो है इन हाउ मेनी डेज विल आर एलोन कंप्लीटेड, अगर इसी काम को आर अकेला करता तो वह कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर देता। तो आपने कहा सबसे पहले हम आर की जो है इफिशियंसी निकाल लें। तो अगर आर की मुझे इफिशियंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एम प्लस एन प्लस आर में से माइनस कर दूंगा मैं एम प्लस एन को, ठीक है ना। तो मुझे आर की इफिशियंसी मिल जाएगी, एम प्लस एन प्लस आर कितना है आपका 12, माइनस एम कितना है आपका 5, एन कितना है 6, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 11, अर्थात ये आ जाएगा आपका 1। तो आर की इफिशियंसी कितनी आ गई, आर की इफिशियंसी कितनी आ गई 1, ठीक है ना। आर की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्लियर है। तो अब जरा देखो, आर की इफिशियंसी 1 है, टोटल वर्क है 60, तो आर को कितना समय लगेगा, आर को कितना समय लग जाएगा, आपने कहा वर्क है टोटल 60, आर की इफिशियंसी है 1, तो आर को लग जाएंगे पूरे के पूरे 60 डेज, आप आर को लग जाएंगे पूरे के पूरे 60 डेज इस वर्क को करने में, क्योंकि वह एक दिन में एक ही काम तो कर रहा है, तो भाई 60 दिन लग जाएंगे उसको इस वर्क को कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आर है अकेले अगर इस कार्य को करेगा तो उसको पूरा का पूरा 60 डेज लगेगा, 60 दिन पूरे के पूरे लगेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एम एंड एन टूगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, एंड एन एंड आर टूगेदर इन 12 डेज, ऑल थ्री टूगेदर कैन कंप्लीट इट इन 6 डेज, इन हाउ मेनी डेज एम एंड आर टूगेदर कैन कंप्लीट इट। एम तथा एन मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा एन और आर मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, एम तथा आर मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, बताइए भाई, 15 डेज में पूरा कर लेंगे, 23 डेज में कर लेंगे, कि 8 डेज में कर लेंगे, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा। तो बताएं भाई, ए इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, सभी लोग आंसर दें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर, 15 डेज आएगा कि आपका 23 डेज आएगा कि 8 डेज आएगा कि नन ऑफ दीज आएगा, आंसर कुछ और आएगा इन ऑप्शन के अलावा। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एम तथा एन मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में, ओके, फिर कह रहा है कि एन और आर मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में, 12 डेज में, ओके, एंड जो है ऑल थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट इन 6 डेज, अर्थात एम एन और जो आर है ये तीनों मिलके 6 डेज में इस काम को कंप्लीट करते हैं, ओके। अब इन तीनों का जरा एलसीएम ले लें, आपको पता है कि एलसीएम वह संख्या जो तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा कि इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, अर्थात टोटल वर्क हो गया 24। तो इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, क्षमता कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा एम और एन की इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 3,
ठीक है ना, इसकी एन और आर की हो जाएगी 2 और इन तीनों को मिला के हो जाएगी 4, इन तीनों को मिला के हो जाएगी 4। तो अब यहां पर हमें यह बताना है कि एम और आर मिलकर के इस पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो एम और आर की अगर हमें एफिशिएंसी मिल जाए तो टोटल वर्क तो हमें पता है कि भाई 24 है, हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो हमें एम एन और आर की पता है, तो सबसे पहले हम एम की निकालते हैं, सबसे पहले हम एम की एफिशिएंसी निकालें तो कैसे निकलेगी, एम प्लस एन प्लस आर में से हम माइनस कर दें एन प्लस आर की एफिशिएंसी को, आपने कहा बिल्कुल। तो एम प्लस एन प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है 4 और जो है एन प्लस आर की कितनी है 2, तो एम की कितनी निकल के आएगी आपकी 2, एम की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। यहां तक सबको क्लियर है भाई, एम और एन की एफिशिएंसी 3 निकल के आई, एन और आर की 2, तीनों की मिला के 4। तो अगर मुझे एम की निकालनी है तो एम प्लस एन प्लस आर इन तीनों की एफिशिएंसी से अगर मैं एम और एन और आर की एफिशिएंसी को घटा दूं तो मुझे एम की मिल जाएगी। तो एम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। अब जरा इसी प्रकार से आप आर की निकाल लीजिए, अगर मुझे आर की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एम प्लस एन प्लस आर की एफिशिएंसी से मैं माइनस कर दूंगा एम प्लस एन की एफिशिएंसी, तो तीनों को मिलाकर है 4 और एम और एन की है 3, तो आर की आ जाएगी 1। तो भैया देखो, आर की 1 है तो एन की भी 1 ही होगी, आर की 1 है तो एन की भी क्या होगी 1, एम की एफिशिएंसी 2 है, एन की 1 है और आर की भी 1 है, लेकिन हमको जो बताना है वो एम और आर मिलकर किस कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो एम और आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एम प्लस आर की एफिशिएंसी, तो आपने कहा एम की 2 है आर की 1 है, टोटल दोनों को मिला के 3 आ जाएगी। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो आपने कहा टोटल वर्क है 24, दोनों की एफिशिएंसी है 3, 8 दिन में पूरा कर देंगे, 8 डेज में जो है इस काम को दोनों मिलकर के कंप्लीट कर देंगे। तो 8 डेज आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर आएगा, ठीक है ना। एम तथा आर इस कार्य को मिलकर के 8 दिनों में पूरा कर देंगे, अगर एम के साथ एन मिलता तो भी 8 दिन में पूरा हो जाता, अगर एन के साथ आर मिलता तो 12 दिनों में पूरा होता। कितने दिनों में, 12 दिनों में, क्यों, क्योंकि एम की एन की एफिशिएंसी भी 1 है आर की भी 1 है, दोनों को मिला के 2 आती और टोटल काम है 24, तो 12 दिनों में पूरा कर लेते, क्लियर। तो यहां पे आंसर कितना आएगा, एम और आर जब मिलके करेंगे तो 8 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देंगे, क्लियर है। यहां तक सब बातें सबको क्लियर हो पा रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एम एंड एन टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज, एन एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 7 डेज एंड एम एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 4 डेज, हु अमंग द फॉलोइंग अलोन विल फिनिश द वर्क इन द लीस्ट टाइम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, सबसे कम कार्य कम समय में कार्य कौन समाप्त करेगा, एम करेगा, एन करेगा, आर करेगा, कि आपका जो है एम और आर दोनों करेंगे। एम तथा एन मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एन तथा आर मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, एम तथा आर मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर समाप्त कर सकते हैं, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा, बताइए भाई, एम करेगा, एन करेगा, आर करेगा, कि एम और आर दोनों करेंगे। तो आपने कहा एम और एन किसी कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है ना। एन तथा आर, एन और आर, यहां पे एम और एन है, एन और आर मिलकर 7 दिन में, 7 दिन में, और एम और आर मिलकर के इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ओके। इनका जरा एलसीएम देखो भाई,
सात पांच और चार का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 35 सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से बन जा 35 इंटू 4 कर दो, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 12 2 कितना आ जाएगा 14, तो टोटल जो एलसीएम आएगा वो 140 आएगा, अर्थात टोटल वर्क हो गया 140, ठीक है ना। अब जरा इनकी इफिशियंसी निकालो कितनी आएगी, इनकी जरा इफिशियंसी निकाल लो कितनी आएगी, तो आपने कहा इसकी कितनी आ जाएगी 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 28 आ जाएगी, इसकी 20 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी कितनी 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 35 आ जाएगी। यहाँ तक बात सबकी क्लियर। अब यहाँ पे जो है हम सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकाल लें, हम सबकी जो है अलग अलग इफिशियंसी निकाल लें, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम तीनों की निकालें कितना आ जाएगा आपका 2m+n+r, क्योंकि तीनों जो है हर एक चाहे m हो चाहे n हो चाहे r हो, हर दो दो बार आएंगे, दो बार m आएगा, दो बार n आएगा, दो बार r आएगा, तो दो हमने बाहर ले लिया। अब जरा देखो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 28 + 20 + 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 8 5 13, हासिल आया 1, 2 2 4 4 3 7, 7 और 1 आ जाएगा आपका 8, क्लियर है। तो ये m+n+r इन तीनों की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 83/2, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहां पर अगर हम बात करें कि केवल m की इफिशियंसी कितनी होगी, अगर मैं m की बात करूं, m की इफिशियंसी कितनी होगी, तो आपने कहा m की इफिशियंसी निकालने के लिए m n और r में से जो है n और r की इफिशियंसी माइनस कर दो, तो तीनों की है 83/2 और जो है n और r की है 20, तो कितना हो जाएगा आपका 83 - 40/2, कितना हो जाएगा ये आपका 43/2, तो जो वर्क है वो कितना है, ठीक है ना, जो वर्क कंप्लीट करेगा, तो आपने कहा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 140, टोटल वर्क है 140, तो अगर यहाँ पे m इसको कंप्लीट करेगा तो ये हो जाएगा आपका जो है इसके किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 140 के, ध्यान रखिएगा ये बराबर में हो जाएगा 140 के, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपने कहा 280/43, जब इसको आप भाग देंगे तो 6 ये कुछ ऐसा आएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 3 18, 280 बटा कितना करते, 6 का भाग दे दो, 6 3 18 बचेगा 1, 6 4 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, ये बचेगा आपका 6 is to the 22/43 days, इतना आएगा, इतना आ जाएगा आपका m का। अब जरा इसी प्रकार से निकाल लो किसका, n का, इसी प्रकार से n का निकाल लो, ऐसे ही r का निकाल लो। अब जरा n का निकालो भाई, n का कितना आएगा, आपने कहा n का कितना है, तो देखो n की अगर इफिशियंसी निकालना है तो m और r की इफिशियंसी माइनस कर दो टोटल में से, तो तीनों की मिला के कितनी है 83, तीनों की मिला के है 83/2 और m और किसी निकालने n की, m और r की है 35, तो ये हो जाएगा आपका 83 - 70/2 हो जाएगा आपका जो है 2, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 13/2, ये बराबर में हो जाएगा 140 के, तो ये 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 280/13, 13 से ज़रा भाग दे दो, 13 2 जा 26 बचेगा आपका 2, 20 हो जाएगा, 13 1 जा 13, 21 सही 7/13, इसको ज़्यादा समय लग रहा है, इसको यही काम करने में 6 दिन और 6 सही 22/43 दिन लग रहे हैं, इसको 21 मतलब ज़्यादा दिन लग रहे हैं, इसको 21 दिन लग रहे हैं ऐसे ही, ठीक है ना, 21 सही 7/13 दिन। अब जरा आगे देखो, अब जरा बात कर लेते हैं किसके बारे में, आर के बारे में, आपने कहा आर की इफिशियंसी 83/2 माइनस हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा आपका 83 - 56/2 हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा ये आपका 13 में से 6 गए तो 7 और ये आ जाएगा आपका 7 में से 5 गया तो 27/2, ये बराबर में हो जाएगा 140,
तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 280 बटा में 27, 280 बटा में 27 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 सही, 10 बटा 27। तो सबसे कम समय किसको लगा, सबसे कम समय M को लगा, देखो सबसे कम समय किसको लग रहा है, M को लग रहा है 6 सही 22 बटा 43 दे, ठीक है ना। तो सबसे कम समय किसको लग रहा है, आपके M को लग रहा है। तो इस कार्य को अकेले जो है सबसे कम समय में M समाप्त कर सकता है, ठीक है ना, सबसे कम समय जो है M लेगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम समय कौन लेगा, अकेला जो है M लेगा, क्योंकि भाई इसको 6 से ही 22 बटा 43 दिन, अर्थात 6 दिन ही लग रहे हैं, ठीक है ना। N को जो है 21 दिन लग रहे हैं और जो है R को 10 दिन लग रहे हैं, तो सबसे कम समय कौन ले रहा है, M ले रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें भाई। क्वेश्चन है आपका कि M एंड N टूगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड N एंड R टूगेदर इन 15 डेज, इफ M इज ट्वाइस एज गुड एज R, देन इन हाउ मैनी डेज M विल कंप्लीट द वर्क। M तथा N मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा N और R मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि R की तुलना में M दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में M कितने दिन लेगा, बताइए भाई। 26 डेज लगेंगे कि 40 डेज लगेंगे कि 45 डेज लगेंगे कि 30 डेज लगेंगे, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि M एंड N टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो आपने कहा M और N एक वर्क को जो है 12 दिन में समाप्त करते हैं, ओके। फिर कह रहा है कि N एंड R टुगेदर इन 12 डेज, ठीक है, जो आपका N और जो R है वो इसको 15 डेज में फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, अर्थात टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा, क्लियर। अब जरा देखिए यहां पे M और N की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, N और R कितनी आ जाएगी 4, यहां तक सबको क्लियर है। अब जरा आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ M इज ट्वाइस एज गुड एज R, देन इन हाउ मेनी डेज M विल कंप्लीट द वर्क। यदि R की तुलना में M दोगुना अच्छा कार्य करता हो, अर्थात एक चीज जरा समझो, अगर मुझे M बराबर R करना है, भाई देखो M जो है वह दुगुना अच्छा है R से, अगर मुझे M बराबर R करना है तो आपने कहा कि भाई R में इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे, जरा बात मेरी समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे एज में दोगुना हूं, ठीक है ना, अगर आपकी एज 20 वर्ष है तो मेरी एज 40 वर्ष होगी, भाई दोगुना हूं ना मैं आपसे, तो अगर आपकी एज 20 है तो मेरी एज कितनी है 40 है। तो वही है कि अगर M को R के बराबर करना है, अगर आपकी एज को मेरे एज के बराबर करना है तो आपकी एज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। वही चीज तो यहां पर भी है, अगर जो है M R की अपेक्षा दुगुना अच्छा कार्य करता है तो अगर M की इफिशियंसी, मुझे M की इफिशियंसी को R की इफिशियंसी के बराबर करना है तो R की इफिशियंसी में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसको कि R इक्वल टू हो जाएगा 1/2 M, ये बात क्लियर है, ठीक है ना, जो R की इफिशियंसी है वह M की इफिशियंसी का आधा होगा, आपने कहा बिल्कुल। अब देखो, अब यहां पे मुझे चाहिए M की इफिशियंसी, क्योंकि मुझे बताना है कि M अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो आपने कहा कि M की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, देखो जरा M प्लस N कितना दिया है, आपने कहा M प्लस N दिया है 5, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैं इसको रख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर जो है दिया है N प्लस R, N प्लस R दिया है आपका 4, अगर मैं यहां पे R की जगह R की वैल्यू रख दूं ये, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना N प्लस हाफ M इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2N प्लस M इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना।
अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए जरा, ये आपका m प्लस एन इक्वल टू 5 और यहां पे है आपका, यहां पे ऐसे ले लो m प्लस 2n इक्वल टू है आपका 8, ठीक है ना, यहां पे 8। अब जरा इसको बराबर कर लो, तो यहां पे 2 है तो हमको m की चाहिए, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो है ना इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 2m प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा m प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये m बचेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 8 आपका 2 बचेगा, क्लियर है। तो m की इफिशियंसी कितनी आ गई, m की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, m की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। बात मेरी समझ में आई, ठीक है भाई, m प्लस n की कितना है आपका जो है 5 है, और n प्लस r कितना है 4, r बराबर हाफ m के है, तो हमने r की जगह हाफ m रख दिया, तो यहां से एक इक्वेशन हमारा बन गया 2n प्लस m बराबर 8 के। तो यहां पे जो है, चूंकि यहां पे 2n है, तो हमने 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे n की संख्या बराबर हो गई, तो m की इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, ठीक है ना। अब देखो टोटल वर्क कितना है 60, करना किसको है m को, टोटल वर्क है 60, करना किसको m को, तो अब बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपका 30 डेज आंसर आ जाएगा, 30 डेज आंसर आ जाएगा, अर्थात जो m है वह 30 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देगा, जो m है वह 30 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देगा। क्लियर, समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया, भाई हमने m की इफिशियंसी निकाली, कितनी निकल गया 2, टोटल वर्क कितना है आपका 60, तो m जो है इस पूरे कार्य को 30 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें। 12 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, आफ्टर 3 डेज ऑफ स्टार्टिंग द वर्क इट वॉज डिसाइड दैट द रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 4 डेज, हाउ मैनी मोर मैन शुड बी इंक्रीज सो दैट द वर्क इन कंप्लीटेड इन 4 डेज, बताइए भाई क्या सही आंसर होगा। तो 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। भाई पहले जो है काम शुरू किया गया, 3 दिन तक काम कर लिया गया, 3 दिन के बाद यह हो कि नहीं भाई तुमको 4 दिन में काम फिनिश करना है, चाहे जैसे तुम फिनिश करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, तुम आदमी बढ़ाओ कुछ भी करो, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि भाई जो वर्क है वो 4 दिन में, जो कंडीशन रखी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वर्क कंप्लीट हो जाए। बताइए भाई कितने आदमी बढ़ाए जाएं, 8 आदमी बढ़ाए जाएं, 2 आदमी बढ़ाए जाएं, 3 आदमी बढ़ाए जाएं कि 1 आदमी बढ़ाया जाए। तो आपने कहा कि यहां पर देखो, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि रिमेनिंग वर्क है कितना जिसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, मान लिया कि वह काम है आपका जो वर्क है, हमने मान लिया वर्क है आपका 1, ठीक है, वर्क है 1, तो 8 दिन में एक कार्य, ठीक है ना, 8 दिन में एक कार्य, मान के चलते हैं कि 8 दिन में, 8 दिन में कितना काम किया गया, एक काम, ठीक है, 8 दिन में, 8 दिन में किया गया कार्य, 8 दिन में, 8 दिन में कितना काम किया गया, तो आपने कहा भाई एक काम किया गया, तो एक दिन में, तो एक दिन में कितना किया गया, एक दिन में कितना किया गया, तो आपने कहा 1/8 किया गया, ठीक। तो 3 दिन तक काम हो गया ना, काम आरंभ हुआ, 3 दिन तक काम हो गया, तो आपने कहा 3 दिन में कितना हुआ, 3 दिन में कितना हुआ, 3 दिन में, तो आपने कहा 3 दिन में हुआ 3 × 1/8, अर्थात 3/8 आपका काम हो चुका। रिमेनिंग वर्क कितना हो, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, बचा हुआ शेष वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क शेष कार्य कितना है, तो आपने कहा हमने वर्क माना था 1, 3/8 कंप्लीट हो गया,
तो 8 माइनस 3 बाई 8 अर्थात जो आपका बचा शेष कार्य है वो 5 बाई 8 है। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आई? भाई देखो, वर्क हमने माना 1, 8 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/8, तो 3 दिन में कितना काम हो गया? 3/8 हो गया, तो कितना बच गया आपका? तो आपने कहा भाई 5/8 काम बचा है। अब देखो जरा, अब देखिए, आपने कहा, अब यहां पे हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं? यहां पे हम फार्मूला लगाते हैं, आपको फार्मूला मैंने पहले बता रखा है, M1D1/W1 इक्वल्स टू M2D2/W2। ठीक है, तो देखो M1 कितना है, M1 कितना है, आपने कहा M1 है 12, D1 कितना है, D1 है आपका जो है 8, ठीक, और W1 कितना है, W1 है आपका 1, ठीक। M2 हमको निकालना है, कितने, अब हम निकालते कितने आदमी जो है इस काम को पूरा कर लेते, अगर ये पूरा काम करते कितने आदमी पूरा कर लेते, तो यहाँ पे M2 फिर D2 कितना है, 4 दिन, क्योंकि 4 डेज में है काम को पूरा करना है, ठीक है ना। और W2 कितना है, आपने कहा W2 है आपका 5/8। अब जरा यहाँ पे इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 12 × 8/1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, M2 हमें निकालना है, इंटू हो जाएगा 4/1 हो जाएगा आपका कितना, 5/8। तो ये M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, M2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 12 × 8 × 5/8/1 हो जाएगा आपका 4 × 1 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, इसे कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। पहले से उसके पास 12 आदमी हैं, पहले से उसके पास 12 आदमी हैं, तो कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, आपने कहा पहले से 12 हैं, 15 टोटल चाहिए, 3 आदमी उसको और बढ़ाना पड़ेगा, 3 जो है उसको जो है मेन 3 पुरुष और उसको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 3 वह पुरुष और बढ़ा दे कि उसका कार्य क्या हो जाए, पूरा हो जाएगा 4 दिनों में। भाई टोटल उसको 15 चाहिए, 12 उसके पास पहले से हैं, तो 3 लोगों को वह और लेके आएगा, भाई 3 लोगों को आप और लेते आना, जाकि मेरा काम 4 दिनों में कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज व्हाइल 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 4 मैन एंड 10 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए भाई। 6 डेज में, 7 डेज में, 3 डेज में, 5 डेज में, तो आप यहां पे क्या करिए, एक महिला और एक पुरुष की इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो आपने कहा 3 पुरुष 6 दिन में, 3 पुरुष, 3 जो है 3 मेन एक वर्क को 6 डेज में कर सकते हैं, 6 डेज में, तो एक मैन कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा ये करेगा आपका जो है 18 डेज में। अगर मैं एक पुरुष की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 18 डेज, ठीक है ना। क्लियर, एक पुरुष का जो है काम कितना हो जाएगा आपका, कितने दिन में पूरा करेगा वह एक काम को, एक पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा वह 18 दिन में पूरा करेगा। भाई 3 पुरुष 6 दिन में करते हैं तो एक पुरुष 18 दिन में करेगा, ठीक है। अब जरा देखो दूसरा, कह रहे 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो मैंने कहा कि 5 वुमेन जो है 18 डेज में, 5 महिलाएं 18 दिन में, तो एक महिला एक वुमेन, तो 18 × 5 = 90 दिन में। अब देखो इनकी इफिशियंसी यहां से निकल आएगी,
यहां से इफिशियंसी निकल आएगी मैन की और वुमेन की, एक का दिया है 18 और एक पुरुष एक वुमेन जो है 90 दिन में, टोटल इनका एलसीएम कितना हो गया 90, अर्थात टोटल और कितना आ गया आपका 90, 18 पंचे 90, 90 एकम 90, अर्थात इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, तो एक पुरुष की इफिशियंसी 5 है और एक महिला की इफिशियंसी 1 है। अब इसमें है कितनी, 4 पुरुष और 10 महिलाएं हैं, देखो जरा इसमें जो वर्क करना है मिलके, तो 4 मैन है, ठीक है ना, 4 मैन है और 4 मैन है और 10 वुमेन है, 10 वुमेन है, तो आपने कहा 10 वुमेन है, तो यहां पर देखो एक मैन की जो है, अब ये वर्क कितना करना है इन लोगों को 90, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 4 कितनी हो जाएगी 4 × 5, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 10 कितनी हो जाएगी 10 × 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 × 4 = 20 प्लस 10 × 1 = 10 इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा आपका 30 = 90, तो एक वर्क कितना दिन लगेगा 90/30 30 दिन लग जाएंगे, 30 दिन, ठीक है, सॉरी 3 दिन, 3 डेज आपका आंसर आ जाएगा, 3 डेज में यह पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज में यह पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, 3 डेज में जो है 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के जो है 3 दिन में यह पूरा काम कंप्लीट कर देंगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर समझ में बात आई भाई, 3 पुरुष 6 दिन में, तो एक पुरुष 18 दिन में, 5 महिलाएं 18 दिन में, तो एक महिला 90 दिन में, एक पुरुष का 18 दिन, एक पुरुष 18 दिन में, एक महिला 90 दिन में, इनका एलसीएम हो गया 90, तो इनकी इफिशियंसी निकल के आई 5 और 1, तो 4 मैन है 10 वुमेन है, तो एक मैन की 5 है तो 4 की 20 हो जाएगी, एक वुमेन की 1 है तो 10 की 10 हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 30, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 3 दिन में जो है इस कार्य को फिनिश कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 4 गर्ल्स कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, 3 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, 7 मैन इन 2 डेज एंड 5 वुमेन इन 4 डेज, हु इज द लीस्ट इफिशियंट, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं, सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, सबसे कम इफिशियंसी किसकी है, गर्ल्स की है, वुमेन की है, मेन की है कि बॉयज की है, बताइए भाई ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, लीस्ट इफिशियंसी किसकी है, गर्ल्स की है, बॉयज की है कि मेन की है कि वुमेन की है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गर्ल्स कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है ना, तो देखो 4 गर्ल्स 8 डेज, ठीक है 8 डेज, तो वन गर्ल तो आपने कहा 8 × 4 32 डेज ओके। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो देखिए अब जरा बात कर लेते हैं, 3 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, थ्री बॉयज 9 डेज तो वन बॉयज तो आपने कहा 9 × 3 27 डेज ओके। अब जरा देखिए, अब जो है कह रहा है कि 3 बॉयज कैन डू इट द सेम वर्क इन 9 डेज, 7 मैन इन 2 डेज, 7 मैन इन 2 डेज तो वन मैन तो आपने कहा 1 मैन 2 × 7 = 14 डेज। अब जरा वुमेन की बात कर लें तो कह रहा है कि 5 वुमेन इन 4 डेज
फाइव वुमेन इन फोर डेज, फोर डेज, फाइव वुमेन इन फोर डेज, ओके। तो वन वुमेन, वन वुमेन, तो आपने कहा वन वुमेन आपका हो जाएगा फोर इंटू फाइव, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी डेज, ट्वेंटी डेज। तो अब देखो काम जो है कांस्टेंट है, काम एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिन ले कौन रहा है, सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है, गर्ल्स 32 डेज लग रहे हैं उस काम को करने में, बॉयज को केवल 27 डेज और मैन को केवल 14 डेज और एक वुमेन को जो है 20 डेज। तो सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, तो वो गर्ल्स ले रही हैं, तो उनकी जो इफिशियंसी होगी वो कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क है, ठीक है ना, वर्क में जो टाइम लगता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ये चीज समझाई थी कि जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी कार्य करने की, उसको जो है टाइम कम लगेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक जगह कुछ ईंटें रखे हैं, उन ईंटों को ए से बी पर रखना है, ए स्थान पर रखे हैं, बी पे उनको लेके जाना है, आपको क्या करना है कि भाई आप वहां पर से लेके जाता, मेरी इफिशियंसी एक बार में एक ईंटा उठाने की है, तो मैं जो है 10-12 ईंटें लेके जाऊंगा, एक मेरा दोस्त है वो एक बार में 10 ईंटें उठा सकता है, तो उसको तो एक ही बार में लेके चला जाएगा ना। तो जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी समय कम लगेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा, क्लियर है। तो लड़कियों को समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि लड़कियों की जो इफिशियंसी है, जो कार्य करने की दक्षता है, वो कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, तो सबसे कम जो कार्य दक्ष है वो गर्ल्स है, ठीक है ना, सबसे कम जो कार्य दक्ष है वो कौन है, गर्ल्स है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लीस्ट इफिशियंसी किसकी है, गर्ल्स की है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज व्हाइल सिक्स चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन फोर मैन एंड फोर चिल्ड्रन टूगेदर कंप्लीट द वर्क। तीन पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो चार पुरुष तथा चार बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, जरा देखिए भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें, तीन पुरुष एक काम को 18 दिन में, ठीक है ना, थ्री मेन 18 डेज, तो आपने कहा वन मैन, एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा एक आदमी करेगा 18 × 3 54 डेज में, ठीक है। इसी प्रकार से दिया है कि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में, ठीक है, सिक्स चिल्ड्रन इसी काम को करते हैं कितने दिन में, 18 दिन में, है ना। तो वन चिल्ड्रन कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा वन चिल्ड्रन करेगा 18 × 6 अर्थात 108 डेज में, 108 दिनों में। अब जरा यहाँ से क्या करो कि यहाँ से टोटल वर्क निकालो, इनकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लो। तो अगर यहाँ पे बात करें तो एक है मैन और चिल्ड्रन, ठीक है ना, इनकी एक एक की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो आपने कहा कि एक आदमी जो है 54 दिनों में और एक बच्चा जो है 108 दिनों में पूरा कर सकता है, इनका एलसीएम कितना हो गया, 108 हो गया, तो इसकी कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी। भाई एक आदमी जो है 54 दिन में काम पूरा कर सकता है और एक जो है बच्चा जो है 108 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो ये इसकी 2 है, इसकी 1 है, ठीक है। अब जरा देखो क्या कह रहा है, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर चार पुरुष और चार बच्चे एक साथ मिल जाए तो इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। फोर मैन और फोर चिल्ड्रन अगर मिल जाए, ठीक है ना,
चिल्ड्रन अगर मिल जाए तो टोटल जो काम है 108 उसको कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो आपने कहा कि एक आदमी की दक्षता है 2, तो 4 × 2 = 8 प्लस एक बच्चे की दक्षता है 1, तो 4 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 108। 4 × 2 = 8 प्लस 4 × 1 = 4 इक्वल टू 108, तो 12 इक्वल टू हो जाएगा 108, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है 9। कितना हो जाएगा 9, अर्थात 9 दिनों में ये जो है मिल करके कार्य को पूरा कर देंगे। ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो 9 दिन में जो है कार्य को पूरा कर देंगे, ठीक है ना? अगर दोनों मिल जाएंगे तो 9 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। बात समझ में आ गई भाई? एक आदमी की दक्षता 2 है, एक बच्चे की दक्षता 1 है, चार आदमियों की दक्षता कितनी हो जाएगी? 8। चार बच्चों की दक्षता कितनी हो जाएगी? 4। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? 12। टोटल काम है आपका 108, तो यह जो है 9 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। क्लियर है? तो 9 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दें भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज एंड 18 चिल्ड्रन इन 10 डेज, 4 मैन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, इफ ओनली मैन हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं, यदि शेष बचे काम को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? बताइए भाई, 28 की होगी, 10 की होगी, 36 की होगी, कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं? ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए भाई, 28 होगा, 10 होगा कि जो है 36 होगा कि नन ऑफ दीज होगा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है ना? तो 6 मैन आपके जो है 12 डेज में, तो एक मैन का कितना हो जाएगा? एक मैन का कितना हो जाएगा? तो आपने कहा हो जाएगा 6 × 12, ये हो जाएगा आपका 72 डेज, ठीक है, क्लियर। अब जरा देखिए फिर क्या कह रहा है, 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, तो 1 वुमेन का कितना हो जाएगा? 1 वुमेन कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 8 × 18 तो ये हो जाएगा आपका 144 डेज, क्लियर है। अब जो कह रहा है कि जो है 18 चिल्ड्रन इन 10 डेज, तो 1 चिल्ड्रन, तो आपने कहा 1 चिल्ड्रन जो है 10 × 18 180 डेज। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि 4 मैन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, तो अब जरा इन जो है इनका 2 दिन का काम निकाल लो। किसका? 4 मैन का, 4 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रन का जो है 2 दिन का कार्य निकाल लीजिए, इनका जो है 2 दिन का काम, ठीक है ना? टू डेज वर्क कितना आएगा जरा निकालो भाई। तो आपने कहा कि भाई 1 दिन का कार्य कितना है आपका? 72, तो 4 आदमियों का कार्य कितना हो जाएगा? 4 × 72। 12 आदमियों कितना हो जाएगा आपका? 12 upon 144 प्लस इसका चिल्ड्रन कितना हो जाएगा आपका? 20 upon 180, ठीक है ना? अब देखो ये कितने दिनों का है? ये 2 दिनों का वर्क है। कितने दिनों का है? 2 दिनों का वर्क है, ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? इसको जरा सॉल्व कर लें, ये कितने 4 से कट जाएगा क्या? देखो भाई ये जगह 4 अपॉन कितना है? 72 है, तो इसको जो है आप किससे जो है 4 से 4 बन जा 4
और 4 18 जा आपका 72 हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 12 जा 144, 21 जा 20, 29 जा आपका 180 हो जाएगा। तो जगह 2 इंटू अंदर क्या हो जाएगा आपका 1/18 प्लस हो जाएगा जो है 1/12 प्लस 1/9। यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, दो दिन का कार्य यहां से निकल आएगा। अब जरा देखो, आपने कहा इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 18, 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो 18 2 जा 36 प्लस 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 3 7 2 9, तो 2 इंटू 9 अपॉन 36, तो ये आ जाएगा आपका जो है इनका दो दिन का काम 1/2। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना है, अब रिमेनिंग वर्क है आपका 1/2, रिमेनिंग वर्क कितना है आपका 1/2, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आपने कहा कि रिमेनिंग वर्क है आपका, रिमेनिंग वर्क है 1/2, रिमेनिंग वर्क है आपका 1/2, जो कि हाफ वर्क पूरा हो गया, तो हाफ वर्क बचा भाई 1/2 काम पूरा हो गया, क्योंकि हमने ये निकाला है कि इतने जो है 4 मैन 12 वुमेन और 20 चिल्ड्रन का दो दिन का कार्य कितना हुआ 1/2, तो 1/2 वर्क कंप्लीट हो गया, तो 1/2 वर्क बचा। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो, ठीक है ना, एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आपने कहा कि यहां पर देखो एक मैन जो है 72 दिनों में पूरा कर रहा है, तो हम कह सकते 72 पुरुष एक काम को, 72 पुरुष जो है, तो हम कह सकते हैं कि जो 72 पुरुष हैं 12 मैन जो वर्क है वह एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं वन डे में, तो जो हाफ वर्क है, जो हाफ वर्क है तो उसके लिए कितने दिन लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे, आपने कहा 36, कितने लगेंगे 36 मैन लगेंगे भाई, आधा काम कंप्लीट हो गया ना, ठीक है ना। तो भाई जो शेष वर्क है हाफ, तो 72 पुरुष अगर एक दिन में पूरा काम करते हैं तो जो है हाफ वर्क कितने दिन में करेंगे, तो आपने कहा 36, ठीक है ना। तो नहीं, हाफ वर्क करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आपने कहा हाफ वर्क करने के लिए जो है 36 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, बात समझ में आई भाई, 72 पुरुष एक काम पूरा करते हैं एक दिन में, तो आधा कार्य करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 36 की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी शेष कार्य को पूरा करने में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बॉयज और 4 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 3 बॉयज एंड 10 मैन टूगेदर कंप्लीट इट। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 डेज में, 18 डेज में, या 6 डेज में, या 25 डेज में, ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 बॉयज और 4 वुमेन, अर्थात 6 बॉयज इक्वल टू हो जाएगा 4 वुमेन, 4 मैन के, अर्थात या तो आपके जो है 6 लड़के हो जाए, 4 जो है पुरुष हो जाए, तो इसको हम कर सकते हैं जो है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अर्थात हम कह सकते हैं 3 बॉयज इक्वल्स टू 2 मैन के, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब यहां पर दिया गया है कि जो है 3 इन हाउ मेनी डेज कैन 3 बॉयज एंड 10 मैन टुगेदर कंप्लीट इट, ठीक है, अर्थात जो है 3 लड़के, 3 बॉयज और 10 आपके मैन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहां पर जो है भाई देखो 3 बॉयज इक्वल टू 2 मैन के, तो इसको हम जो है मैन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहां पे हमने क्या रख दिया, यहां पे हमने 2 मैन रख दिया, 2 मैन प्लस 10 मैन। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकल के आएगा,
तो हमने जब इसको जो है टोटल मैन में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पे जो है हमने मान लिया कि चार आदमी 18 दिन में, तो एक आदमी टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 4 into 18, तो ये हो जाएगा आपका 12, हो जाएगा 12 मैन इक्वल टू 4 into 8, तो जो है यहां पे एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा 4 into 18 अपॉन हो जाएगा आपका कितना 12, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, 6 डेज में, अर्थात जो है तीन लड़के था 10 पुरुष मिलकर के इसे जो है 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, हमने क्या किया कि टोटल उसको पुरुषों में चेंज कर लिया, तो हमें यहां पे दिया गया है कि 3 boys equal to 2 men के। अब देखो 3 boys plus 10 men मतलब तीन बच्चे और 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमने 3 boys की जगह 2 men रख दिया, चूंकि हमने पहले यहां पे निकाल रखा है, तो ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, एक में कन्वर्ट हो गया, मैन में कन्वर्ट हो गया, तो चार आदमी 18 दिन में जो है काम पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम आपका 72 हो जाएगा, और यहां पे टोटल आके 12 मैन आ जाएंगे, तो 6 दिन में जो है ये काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फोर मैन एंड सिक्स वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। तो आपने कहा कि पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 4 men plus 6 women जो एक कार्य है किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा इनका जो है, 4 men और 6 women का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/8। अब देखो 3 men दूसरा जो बना लो, m का मतलब मैन, w का मतलब वुमेन, ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि 3 men and 7 women टुगेदर कैन कंप्लीट इन 10 days। तो आपने कहा 3 men plus 7 women का कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 20 women टुगेदर कंप्लीट इट, 20 औरतें जो है मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो यहां पर जो है आप वुमेन का निकाल लो, ठीक है ना, तो मैन जो है मैन को बराबर कर लो, यहां 4 है यहां 3 है, तो यहां मल्टीप्लाई कर लो किसका, यहां मल्टीप्लाई कर लो आप 3 का, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 मैन प्लस हो जाएगा आपका 18 women, हो जाएगा 3/8, ये कितना हो जाएगा आपका 12 मैन प्लस हो जाएगा 28 women इक्वल टू हो जाएगा 4/10, ठीक है, क्लियर। इसको जरा माइनस कर लो भाई, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 10 women इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/10 माइनस 3/8, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 80, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 3 30, क्योंकि भाई 10 8 जा 80 हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, 8 10 जा 80 10 3 जा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 women इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है 2/40, तो ये हो जाएगा आपका जो है 10 women इक्वल टू 1/40, अर्थात जो 10 औरतें हैं वह 40 दिन में काम पूरा करेंगी, तो 20 औरतें काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, 10 औरतें 40 दिन में, तो 20 औरतें 20 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 20 वुमेन, तो आपने कहा 20 into 1/40, 20 और 22 जब कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो एक मिनट जरा रुकिएगा, यहां पे भाई 10 औरतें एक काम, 10 औरतें कितने दिन में करेंगी, 10 औरतें 40 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो कह रहा कि 20 औरतें इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगी, तो आपने कहा कि एक औरत करेगी जो है 10 into 40, तो 20 औरतें कितने दिन में करेंगी, 20 औरतें करेंगी 10 into 40 upon 20, कितने दिन में आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 20 days आपका सही आंसर आ जाएगा, 20 days आपका सही आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई,
10 औरतें 40 दिन में, तो एक औरत जो है टोटल कितना आ जाएगा, एक औरत करेगी जो है 400 दिन में, तो 20 औरतें कितने दिन में करेंगी, 20 दिन में। क्लियर, समझ में आया, ठीक है ना। वहां पे हम लोग गलत कर रहे थे, क्योंकि यहां पे पहले भाई यहां पे टोटल पहले एक दिन का निकालेंगे ना, तो 10 औरतें 40 दिन में, तो एक औरत 400 दिन में, तो 20 औरतें कितना दिन में करेंगी, 20 दिन में, तो 20 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।